अगर मैं आया होता तो आपसे मिलता है, अगर मैं बाजार जाऊंगा तो किताब खरीदूंगा, यदि आप मेरे पास आते तो मैं आपकी मदद करता। कंफ्यूज मत होइए, ये मैं आपसे कोई बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं आज के सेंटेंस का टाइप बता रहा हूं। आज मैं आपको इसी टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा और ये सेंटेंस हमारे कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट्स वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस, और चलिए चलते हैं हम अपने कंडीशनल सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे सेंटेंस हम लोगों के सामने आते हैं। तो पहला सेंटेंस जो है होता है कि पहला टाइप का सेंटेंस, तो स्टूडेंट्स कंडीशनल सेंटेंस टोटल कुल चार प्रकार के होते हैं, जो मैं बताने वाला हूं चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं और वो चारों प्रकार के सेंटेंस को आज मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग टाइप वन पे चलते हैं, सेंटेंस जो होगा हमारे पहले में टाइप वन मिल रहा है हम लोगों को। टाइप वन सेंटेंस जो होता है वो उसका हिंदी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर ये होता तो ये होता, दूसरा इसमें आ जाएगा कि अगर ये हो तो ये होता। ये दोनों टाइप के हिंदी स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ही सेंटेंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि अगर ये होता तो ये हो जाता, अगर मैं यहां आता तो आपसे मिलता, या मैं अगर यहां आया तो आपसे मिलता। तो यहां पे आप लोग देख लीजिए कि कुछ इस प्रकार के सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जो कंडीशन बनती है ऐसे सेंटेंस जो होते हैं कि ऐसे सेंटेंस में सामान्यता ऐसे सेंटेंस हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं जो नॉर्मली जो हमें सेंटेंस ऐसे सत्य ही मिलते हैं, फैक्ट मिलते हैं। तो इन सबको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करते हैं कि पहले हम लोग लगाएंगे इफ या व्हेन, इफ या व्हेन, उसके बाद हम लगा देंगे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। अब यहां देखिए कि आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट सुना होगा लेकिन मैंने लिखा प्रेजेंट सिंपल, अर्थात ये सेंटेंस कुछ ऐसे मिलेंगे कि या तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हमें मिलते हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट सिंपल सिंपल में मिलते हैं, जैसे इज एम आर वाज वर का यूज करके हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं वो वैसे ही मिलते हैं। तो या तो फिर ये प्रेजेंट का मतलब हुआ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये इंडिफिनिट हो गया इंडिफिनिट जिसमें हम लोग डू या डस का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब को, और ये सिंपल का मतलब हो गया कि इसमें हम लोग इज एम या आर का वर्क काम करते हैं, इसमें यूज करते हैं। तो हम लोग प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस पा जाते हैं। और दूसरा सेंटेंस जो हमको मिलता है वो भी हमारा करीब यही होता है कि सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। यहां पे देख लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट अर्थात ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, यहां प्रेजेंट सिंपल था यहां सिंपल प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट सिंपल का तो उम्मीद ही समझ लिया होगा कि प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जिसमें डू डस का यूज करते हैं, और सिंपल सेंटेंस मतलब इसमें इज एम आर का यूज करते हैं। और दूसरा सेंटेंस जो इसका मिलेगा वो हमें सिंपल प्रेजेंट में मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये अगर आप दूध पीते हैं, अगर आप दूध पीते हैं तो स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ होते हैं। यहां पे देखिए जनरली सत्य रहने वाली बात बताई गई, अगर आप दूध पीते हैं तो आप स्वस्थ होते हैं। तो यहां इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा इफ यू ड्रिंक मिल्क, कॉमा लगाएंगे आप तो स्वस्थ होते, तो यू बिकम हेल्दी। क्लियर, कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे ये सेंटेंस आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगला एग्जांपल लेते हैं कि अगर, तो ये एग्जांपल लिया कि अगर आप लाल व हरा रंग मिलाते हैं तो काला रंग बनता है। तो इसको देखिए कि उसमें कैसे बताया था मैंने कि पहले आप या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट कर लेंगे या फिर इज एम लगा के सिंपल सेंटेंस में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो यहां पे मिलाते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो यहां पे हो जाएगा इफ यू अब मिलाने का क्या हो जाएगा कि मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो यहां पर होगा इफ यू मिक्स लाल व हरा, रेड एंड ग्रीन, और फिर इसके बाद हम लोग कॉमा लगा देंगे तो हरा तो काला रंग बनता है, तो क्या हो जाएगा इट बिकम्स काला रंग होता है, इट बिकम्स
ब्लैक कम्स ब्लैक, यदि आप लाल वगैरह मिलाते हैं तो काला बनता है, क्लियर। तो थोड़ा बहुत इसे समझ में आएगा, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अगला सेंटेंस हमने लिया कि अगर पौधे को पानी ना मिले तो वे मर जाते हैं, तो इसका ट्रांसलेट होगा इफ द प्लांट्स डू नॉट, पानी ना मिले, डू नॉट गेट वाटर, तो इस बात कॉमा लगाएंगे और वे मर जाते हैं, दे डाई। इफ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर दे डाई। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आप आग को छूते हैं, तो जल जाते हैं, तो यहां भी देखिए कि अगर आप आग को छूते हैं तो जल जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कि इफ यू टच द फायर, कॉमा लगाएंगे तो जल जाते, जलने का क्या हो जाता है कि बर्न माने जलना, तो यहां पे हो जाएगा यू गेट बर्न, यदि आप आग को छूते हैं तो जल जाते हैं, क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप सच बोलते हैं तो हर कोई आपकी सराहना करता है, तो इसका जब ट्रांसलेट हो जाएगा हमारे पास कि इफ यू स्पीक द ट्रुथ, यदि आप सच बोलते हैं, तो हर कोई आपकी सराहना करता है, तो सराहना करने का क्या इंग्लिश हो जाएगी, एप्रिसिएट, तो एवरीवन एप्रिसिएट आपकी है, एवरीवन अप्रिशिएट यू, क्लियर। एक चीज आप लोगों के लिए छूट गई कि सराहना करता प्रेजेंट डेफिनेट रहता, अप्रिशिएट्स हो जाएगा कि एवरीवन अप्रिशिएट्स यू, क्लियर। उम्मीद है कि ये सेंटेंस के माध्यम से जो रूल मैंने आपको बताया था वो सारे नियम आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग इसके अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो अब हम अपने दूसरे टाइप के सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दूसरा टाइप का सेंटेंस हमारे सामने ये आता है कि अगर उसमें जो कोई कार्य हो रहा है उस कार्य की होना भी संभावित होता है और उस कार्य से होने वाले जो परिणाम होता है वो रिजल्ट होता है वो भी हमारा संभावित ही होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कि कार्य होना भी संभावित होता है उसका रिजल्ट भी संभावित होता है। तो चलिए चलते हैं अपने रूल की तरफ। ऐसे सेंटेंस हमारे सामने आते हैं जिसमें कार्य की अवस्था संभावित होती है और उसका परिणाम भी संभावित होता है। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे मिलते हैं हम लोगों को कि अगर ये हो तो वो होगा, अगर ये करे तो वो होगा, अगर ये करे तो वो हो सकता है, या अगर ये करेंगे तो उसे होना चाहिए। ऐसे सेंटेंस मिलते हैं आप लोगों को, ऐसे सेंटेंस कहीं पर भी देखने मिले तो आप समझ लीजिए कि इसमें हम लोगों को जो कार्य है उसका भी कार्य करने की स्थिति भी संभावित है, उसका परिणाम भी संभावित है। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस को आप लोगों को देखेंगे, इसको इंग्लिश जो बनाएंगे इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर हमारे पास में कुछ इस प्रकार से आएगा कि यहाँ पे हम लगाएंगे इफ और इफ के साथ हम लोग लगा देंगे कि सिंपल प्रेजेंट, मतलब वहां पे आप देखिए इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या लिखा था, प्रेजेंट सिंपल, अर्थात वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस था और इज एमआर का भी यूज था, लेकिन यहां लिखा मैंने सिंपल प्रेजेंट, अर्थात यहां पे सीधा सीधा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना है, क्लियर। सिंपल प्रेजेंट का मतलब समझ गया, तो सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद हम लोग यहां पे अगले में आ जाएंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, अगला जो दूसरा वाला सेंटेंस हमारे पास होगा सब्जेक्ट लिख देंगे, और उसके बाद जब इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा विल, मे, माइट, और उसके बाद हम लोगों को मिल जाएगा कुड, शुड,
कि अगर हम लोगों को ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाए कि अगर ये हो तो वो हो सकता है, या ये करें तो वो हो सकता है, या ये करेंगे तो वो होना चाहिए, ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाए, तो इनको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल मे माइट, और इसके बाद माइट के बाद अगर नहीं तो फिर उनको कुड भी मिल सकता है, शुड भी मिल सकता है। क्लियर? तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि यदि आप तार को छुएंगे, यदि आप तार को छुएंगे तो करंट लगेगा, यानी अगर ये चीज होगी तो वो होगी, यदि आप तार को छुएंगे तो करंट लगेगा। तो आपको ये चीज समझ में आ रही कि सेंटेंस आपने पढ़ा छुएंगे गा, तो यहां पे आप सोचेंगे कि दोनों सेंटेंस हमारे फ्यूचर में है, लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है, यहां दोनों सेंटेंस फ्यूचर में है। आपको फर्स्ट सेंटेंस आपको सिंपल प्रेजेंट में करना है, तो सिंपल प्रेजेंट में करने के लिए होगा इफ, और आपके लिए यू छूने का टच, तार को छूएंगे तो करंट लगेगा, करंट का बिजली का तार है तो इफ यू टच इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर कॉमा लगाया, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे यानी कि यू यू, और उसके बाद विल मे माइट कुड शुड, इसमें से कोई एक लगा देंगे तो हम लोग विल का यूज करेंगे, तो यू विल फील महसूस करेंगे, क्या महसूस करेंगे, करंट, इलेक्ट्रिक शॉक। क्लियर विदय? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल कह लिया कि अगर एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाए तो मरीज को बचाया जा सकता है, एक शर्त एक कंडीशन है कि अगर एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाए तो मरीज को बचाया जा सकता है, अर्थात अगर ये हो तो वो हो सकता है, ये हो तो वो हो सकता है, एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाए तो मरीज को बचाया जा सकता है। तो अगर सकता है लगा है तो यहां पे देखिए सकता है के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहां लग सकती है, विल लग सकता है, मे माइट कुड शुड, ये देखिए मे और माइट का यूज मैंने आपको बताया है कैसे करना रहता है, यहां पे आपको कुड का यूज करना है क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि पॉसिबिलिटी है यहां पे, तो आप यहां पे कैन का यूज कीजिए, कैन यानी कि कैन ही है इसमें यूज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब, तो कुड है तो कुड का हम यूज करेंगे। तो अगर एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाए, इफ अब इसके बाद क्या लगाएंगे, एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाए, अब समय पर पहुंच जाए मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो इफ द एम्बुलेंस रीच, क्योंकि सिंगुलर नंबर है, रीच समय पर ऑन टाइम, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे, तो के लिए देन लगाया जा सकता है लेकिन देन यहां पे यूज नहीं करते मॉडर्न इंग्लिश में, कॉमा लगा के हम लोग काम चला लेते हैं, देन का एक जो चार लेटर है उसको लिखने का बच जाता है, तो यहां पे कॉमा लगाया और लिखेंगे द पेशेंट और फिर सकता है कोड बी सेट, द पेशेंट कुड बी शेव, यहां पे देखिए कि आपको क्लियर हो गया कि अगर सकता है लगा है तो आपको कुड का यूज करना है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो याद देखिए कुछ एग्जांपल मैंने लिखे कि अगर वो आपको आमंत्रित करता है तो आपको जाना चाहिए, तो यहां हो जाएगा अगर वो आपको आमंत्रित करता है तो इफ ही आमंत्रित करता था इनवाइट्स यू, आपको आमंत्रित करता है तो इफ इनवाइट्स यू और उसके बाद आपको जाना चाहिए, तो जाना चाहिए मतलब चाहिए के अर्थ के लिए शुड का यूज करना रहता है, तो यहां पर लिखा गया यू शुड गो, यदि आपको वो आमंत्रित करता है तो आपको जाना चाहिए। अब इसी तरह अगला एग्जाम्पल ले, यदि आप कठिन अध्ययन करते हैं तो परीक्षा पास कर लेंगे, अर्थात आप ये करते हैं तो आप वो कर लेंगे, कि आप कठिन अध्ययन करते हैं तो आप परीक्षा पास कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे सामने कि इफ यू स्टडी हार्ड, कठिन अध्ययन करते हैं स्टडी हार्ड, उसके बाद कॉमा लगाया और यू और कर लेंगे तो यू विल पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन। क्लियर? कि यदि आप कठिन अध्ययन करते हैं तो आप परीक्षा
पास कर लेंगे या फिर अगर मैं आपकी पार्टी में नहीं आऊं, अगर मैं आपकी पार्टी में नहीं आऊं, इसे जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो अगर मैं आपकी पार्टी में ना आऊं तो इफ आई और ना आऊं मतलब डू नॉट कम, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के लिए डू नॉट का यूज किया जाता है या डज नॉट का यूज किया जाता है। तो इफ आई डू नॉट कम, कहां पे ना आऊं, आपकी पार्टी में, इन योर पार्टी, उसके बाद तो शायद वो आपका समर्थन ना करे। तो अब यहां पे समर्थन शायद लगा है तो ही माइट नॉट बी समर्थन करना सपोर्ट, और किसका समर्थन, आपका सपोर्ट यू। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये जो मैंने रूल बताया था आपको वो रूल इस एग्जांपल की सहायता से एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, फिर हम इसके तीसरे रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और तीसरे टाइप का सेंटेंस आता है, तीसरे टाइप के सेंटेंस में ऐसा होगा कि ऐसा कोई सेंटेंस मिल जाए जो कि वर्तमान में तो असंभव प्रतीत होता है लेकिन भविष्य में उसके होने की संभावना होती है। अर्थात इसमें आप लोगों को ऐसा कोई सेंटेंस देखने को मिल सकता है, ऐसा कोई सेंटेंस पढ़ने को मिल सकता है जो कि वर्तमान में तो उस समय असंभव प्रतीत हो रहा होगा लेकिन भविष्य में वो सेंटेंस शायद वो हो जाए। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात टाइप थ्री के अंदर वो सेंटेंस आते हैं जो जिसमें एक क्लॉज उसकी ये बता रही हो कि वर्तमान में वो सेंटेंस असंभव है लेकिन दूसरी क्लॉज ये बता रही हो कि भविष्य में शायद ये संभव हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे सेंटेंस होते हैं। तो यहां देखिए कि ऐसे सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो काल्पनिक लग रहे होंगे, काल्पनिक मतलब इस सेंटेंस के बारे में लगता है काल्पनिक है लेकिन भविष्य में इसका परिणाम अभी तय होना बाकी है, अर्थात इसका परिणाम निकल सकता है। तो इसको जो स्ट्रक्चर मिलता है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है कि अगर ये होता तो वो हो पाता, अगर ये होता तो वो हो पाता, या फिर या वो हो जाता तो वो हो पाता, या फिर यहां पे अगर ये होता तो वो हो जाता। अर्थात अभी देखने में असंभव लग रहे हैं वो सेंटेंस। इसे एग्जांपल लिया हमने कि यदि मैं कंबोडिया में होता तो सूर्य मंदिर जाता। अगर ये सेंटेंस आ जाते कि यदि मैं कंबोडिया में होता तो सूर्य मंदिर जाता, अर्थात वर्तमान में ये चीज काल्पनिक लग रही है लेकिन भविष्य में शायद ये चीज हो जाए, भविष्य में जो ये व्यक्ति है कहने वाला हो सकता है कंबोडिया चला जाए और सूर्य मंदिर को देख ले, तो ये भविष्य में संभावना इसकी है कि घटना हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पे जब इसकी स्ट्रक्चर निकालते हैं तो स्ट्रक्चर को इस प्रकार से निकालते हैं कि इसे इफ लगाया और इसके साथ हमने लगाया पास्ट सिंपल, मतलब या तो ये पास्ट टेंस में मिलेगा, नहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिलेगा, या तो फिर ऐसे सेंटेंस में मिलेगा जिसमें वाज वर्ब का यूज हुआ हो, तो पास्ट सिंपल। और इसके बाद हम लोग कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने के बाद हम लोग इसमें वुड या शुड का यूज करेंगे, वुड या शुड का यूज करेंगे और ये सेंटेंस हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे क्या होगा, यदि मैं कंबोडिया में होता तो इफ आई लिव्ड इन कंबोडिया, यदि कंबोडिया में रहता, इफ आई लिव्ड इन कंबोडिया, और फिर आई वुड विजिट टू, कहां रहता था, सूर्य मंदिर जाता, तो सन टेम्पल, आई वुड विजिट सन टेम्पल। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देते हैं जिससे ये सेंटेंस आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कि अगर मेरे पास खुद की जमीन होती तो मैं खूबसूरत घर बनाता, अर्थात ये वर्तमान में तो थोड़ी सी काल्पनिक घटना लग रही है लेकिन भविष्य में शायद संभव है कि खूबसूरत घर बनाता। तो ये हो जाएगा इफ आई हैड, और फिर क्या होती, जमीन होती, माई ओन लैंड, मेरी खुद की जमीन, माई ओन लैंड,
यदि मेरे पास खुद की जमीन होती तो मैं एक खूबसूरत घर बनाता। आई वुड मेक, यहां पे देखिए कि आई वुड, वुड शुड का यूज करा है, तो आई वुड मेक अ ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल हाउस। क्लियर? यदि मेरे पास खुद की जमीन होती तो मैं एक खूबसूरत सा घर बनाता, तो ब्यूटीफुल हाउस हो गया। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं जापान घूमता, तो इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी तो जापान घूमता, तो मैं जापान, तो आई वुड विजिट, आई वुड विजिट टू जापान। क्लियर? एक और एग्जाम्पल, अगर वो बीमार होती तो मीटिंग में शामिल ना हो पाती, तो इफ शी वर इल, यहां देखिए कि सिचुएशन कंडीशन दिखा रहा है, और कंडीशन दिखाने के लिए हाँ आपको वाज या वर का यूज करना है। मॉडर्न इंग्लिश में वाज का यूज बहुत कम किया जाता है, ज्यादातर वर का यूज किया जाता है। तो कंडीशन दिखाने के लिए यहां पर यदि वो बीमार होती, यहां हो जाएगा इफ शी वर इल, तो मीटिंग में शामिल ना हो पाती, शी कुड नॉट, शामिल ना हो पाती तो शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। क्लियर? कि इफ शी वर इल तो शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, कॉमा लगा दी। यदि मैं करोड़पति होता, अर्थात यह सिचुएशन दिखाई जा रही है, तो इफ आई वर, अब क्या होता है, करोड़पति होता, करोड़पति को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, मिलेनियल लिखते हैं। तो आगे होता कि मैं गरीबों की मदद कर सकता था, तो आई वुड हेल्प द पुअर। क्लियर? उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल के साथ जो मैंने रूल लिखाए थे वो आपको समझ में आ गए। तो इन एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, फिर इसके अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अब टाइप फोर पे चले आते हैं। टाइप फोर में ऐसे सेंटेंस हमें मिल जाते हैं जो भूतकाल में होने वाली असंभव स्थिति को बताते हैं, और उस स्थिति के साथ साथ हमें उस स्थिति के कारण होने वाले परिणाम को भी, काल्पनिक परिणाम को भी बता देते हैं। ऐसे सेंटेंस जो हमें हिंदी मिलते होते हैं कि अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका, या हो पाता या हो सकता था। क्लियर? तो ऐसे सेंटेंस जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो पहले हम लोग इफ लगाएंगे, इफ के साथ हम लोग लगा देंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हैड के साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग कॉमा लगा देंगे। सेकंड क्लॉज के लिए हम लोग कॉमा लगा देंगे, और सेकंड क्लॉज में जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसे हम वुड हैव या कुड हैव के रूप में यूज करते हैं, वुड हैव या कुड हैव के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि हो जाता कि, तो ये एग्जाम्पल लिया कि अगर मैं उस समय प्रबंधक होता तो मैंने इसकी अनुमति नहीं दी होती, तो ये क्या हो जाएगा, इफ आई हैड बीन, पास्ट परफेक्ट में है, तो यहां पे हैड बीन का कोई सिचुएशन दिखाई जा रही, स्थिति दिखाई, जैसे पिछले सेंटेंस में मिलता था स्थिति दिखाना हो तो आप वर का यूज करेंगे, वैसे इस टाइप के सेंटेंस में अगर किसी व्यक्ति की स्थिति दिखानी हो, उसकी पोजीशन दिखानी हो, तो आप हैड बीन का यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे इफ आई हैड बीन, आई हैड बीन क्या होता, प्रबंधक होता, तो द मैनेजर, द मैनेजर उस समय, देन लिख दे सकते हैं, दैट टाइम लिख सकते, देन लिख दीजिए, तब मैं प्रबंधक होता तो मैंने उसकी अनुमति नहीं दी होती, तो यहां हो जाएगा आई वुड नॉट हैव, आई वुड नॉट हैव अलाउड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ अलाउड, और किसकी अनुमति नहीं दी होती, इसकी, यानी कि इट, आई वुड नॉट हैव अलाउड इट। क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, तो यहां देखिए, अगर वह मुझसे पहले ही बता देती तो मैं उसकी मदद कर सकता, यानी अगर यह हुआ होता तो वो हो सकता था, अगर मुझसे पहले ही बता देती तो मैं उसकी मदद कर सकता था, तो यह क्या हो जाएगा, इफ शी हैड, इफ शी हैड, अब बता देती यानी कि इन्फॉर्म, सूचना दे देती, तो यहां पे इंफॉर्मेशन, अर्थात इसको इन्फॉर्म लिखेंगे कि इन्फॉर्म मी, फिर कॉमा लगाएंगे, तो मैं उसकी मदद कर सकता था, तो ये हो जाएगा आई कुड हैव, कुड हैव हेल्प
अब हर लगे कि लड़की है इसलिए हर का यूज करेंगे हम लोग, आई कुड हैव हेल्प्ड हर, क्लियर? तो इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके एक दो एग्जांपल लेते हैं, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो याद देखिए कि इसके एग्जांपल मैंने लिखे, अगर वह उस दिन 10 मिनट और इंतजार करते तो अपने पसंदीदा नायक से मिल सकते थे, अर्थात भूतकाल की कोई एक असंभावित घटना बता रहे, काल्पनिक घटना बता रहे जो सत्य नहीं हुई है, उसके बाद उसकी कल्पना से परिणाम भी बता रहे हैं। तो इफ दे हैड वेटेड 10 मोर मिनट दैट डे, यदि उस दिन और 10 मिनट इंतजार करते, दे वुड हैव मेट देयर फेवरेट हीरो, कि अगर एक दो दिन बारिश और हुई होती तो मसूरी में बर्फ पड़ चुकी होती। तो इफ इट हैड रेन्ड मोर फॉर अ डे और टू, It would have snowed in Masuri. Clear? उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल की सहायता से जो मैंने रूल लिखाए हैं आपको, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो यूनिक सेंटेंस बताने की कोशिश की है, जो उसके रूल लिखाए हैं, वो रूल आपने लिख भी लिए होंगे और सेंटेंस को अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के लाइक कीजिए, खूब दबा के लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो में लाइक करते रहेंगे तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल का घंटा भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि सुबह 7 बजे उस घंटा को दबाने के कारण सुबह 7 बजे आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन पहुंचेगा जिसमें मेरे वीडियो के आने का समय निर्धारित होगा। तो आप उस घंटे को जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरा वीडियो समय से आप तक पहुंच सके और आप देखकर उसका लाभ पा सके। ये वीडियो कंडीशनल सेंटेंस का जो मैंने दिया है, ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जब पैराग्राफ सेंटेंस ट्रांसलेट करने लगते हैं तो उसमें ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। वीडियो लेक्चर में मैंने आपकी उस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया है। तो वीडियो को बिना लाइक किए हुए और बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को निकलेगा नहीं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।